सुशांत केस की सीबीआई जांच से शरद पवार को आपत्ति नहीं, लेकिन कहा ये मुद्दा मेरे लिए अहम नहीं। एनसीपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद माजिद मेमन ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहा कि सुशांत जिंदा रहते उतने मशहूर नहीं थे जितने की मौत के बाद हुए। मीडिया में आजकल उन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जगह मिल रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए किया ट्वीट, लिखा मोदी हैं तो मुमकिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के देश की जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका जताने वाली खबर शेयर कर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है। नारायण मूर्ति के मुताबिक कोविड-19 महामारी के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि 1947 के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। फिल्म गुंजन सक्सेना में वायुसेना के वर्क कल्चर की नकारात्मक छवि दर्शाने पर वायुसेना ने जताई आपत्ति। आईएएफ की तरफ से धर्म प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स और सेंसर बोर्ड को लिखा गया पत्र। वायुसेना ने लिखा फिल्म गुंजन सक्सेना की भूमिका को महिमा मांडित करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई जो भ्रामक है और आईएएफ में अनुचित वर्क कल्चर को चित्रित करती है, खासकर महिलाओं के खिलाफ। जन्म लेने वाली है दोनों की दूसरी संतान। कपल ने एक बयान में कहा कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे परिवार का एक सदस्य बढ़ने वाला है। हमारे सभी शुभचिंतकों को उनके प्यार और साथ के लिए शुक्रिया। सैफ और करीना का भी एक बेटा है तैमूर अली खान। संजय दत्त के फेफड़ों में कैंसर होने पर पत्नी मान्यता दत्त ने जारी किया बयान, लिखा इस दौर से उबरने के लिए हमें सारी ताकतें और प्रार्थनाओं की जरूरत है। भगवान ने एक बार फिर हमें परीक्षा के लिए चुना है, हमें सिर्फ आपकी आशीर्वाद और प्रार्थनाएं चाहिए। हम जानते हैं कि जीत हमारी होगी। सांस लेने में तकलीफ के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद संजय दत्त के कैंसर का पता चला। बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों का कैंसर थर्ड स्टेज में है।